तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको देखूंगा, ये जो चैसिस देखी ये वीडियोकॉन का चैसिस है। बट इसी तरह सेम चैसिस वीडियोकॉन, सैमसंग या काई, ये सब टीवी के अंदर यूज़ होता है। तो दोस्तों फिलिप्स टीवी के अंदर भी इसी तरह सेम चैसिस देखा जाता है। तो चलिए इसका जो फॉल्ट, मैं लाइन सप्लाई दे के ही रखा है और इसका फर्स्ट स्नो का कलर देखिए किस तरह इसका कलर है। तो ये व्हाइट टाइप होना चाहिए। तो चलिए आपको ये भी मूट करके दिखाता हूँ। ये भी मूट करने के बाद इसका कलर देखिए इसी तरह कलर। तो आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसका अंदर कौन कलर मिसिंग है और कौन कलर ज़्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों रेड कलर बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, बट अब अच्छा करके ध्यान दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रेड कलर का साथ ब्लू कलर ओके है, बट कुछ भी ग्रीन कलर का जो ग्रीन कलर होता है ग्रीन कलर नहीं है। और आप खुद ही देख सकते हो अभी अचानक ग्रीन कलर आ गया। इसी तरह इसका फॉल्ट है। तो कभी कभी ये कलर चला जाता है, कभी कभी कलर ये आ जाता है, इसी तरह इसका फॉल्ट है। तो मतलब ग्रीन कलर मिसिंग फर्स्ट टाइम आपको दिखाया। तो ये जो प्रॉब्लम है मेनली ये जो बेसबोर्ड आप देखिए, ये बेसबोर्ड का अंदर इसी तरह फॉल्ट होते देखा जाता है। तो चलिए कुछ भी बेसबोर्ड हो सकता है, इसी तरह फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद देखिए ये जो बेसबोर्ड है, एक्चुअली ये बेसबोर्ड का अंदर जो फॉइल लाइन होता है जिस लाइन का साथ अलग अलग पार्ट्स कनेक्शन होता है, तो वो फॉइल लाइन अधिकतर हाई हो जाता है, फायरिंग होता है। ये फायरिंग के बजाय इसी तरह फॉल्ट अधिक देखा जाता है। अब अच्छा करके देखिए ये 9 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है। तो ये वीडियो कॉन्सेंसी इकाई का अंदर इसी तरह 9 ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड अधिक देखा जाता है, ठीक है। और ये बेसबोर्ड का कुछ फॉल्ट हो जाएगा तो अभी खुद ही देख सकते हो मेरे लिए न्यू टेक्नीशियन को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक एक कैथोड पिन पर सप्लाई देने के लिए, मतलब कलर सिग्नल देने के लिए तीनों ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। देखिए तीनों बड़ा वाला ट्रांजिस्टर और वो एक एक ट्रांजिस्टर के साथ दो दो ट्रांजिस्टर देखिए यूज़ किया है कंपनी। और इसका ये साइड आप अच्छा करके देखेगा तो इसका कनेक्शन इस तरह है और बहुत काला काला मार्किंग जो देखा जाता है, इसका फॉइल लाइन किधर से किधर गया तो ये देखने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए ये सब बेसबोर्ड को चेंज करके, ठीक है, अब मार्केट के अंदर बहुत न्यू बेसबोर्ड आ गया, इसी तरह बेसबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत टाइप बेसबोर्ड है, कुछ भी बेसबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, मेनली आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए बेसबोर्ड के अंदर देखिए आर, ये देखिए 9 वोल्ट मतलब आई के वोल्ट, ग्राउंड, RGB, ठीक है, ये सब पॉइंट है। आप इधर देखिए ये ग्राउंड 9 वोल्ट, BRG मतलब RGB, इस तरह कनेक्शन, ये सब पॉइंट देखा जाता है। कुछ भी पॉइंट पर जिस तरह सेट होगा आप लगा सकते हो। देखिए 184 ग्राउंड हीटर, ये सब अलग अलग पॉइंट है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। मेरा पास बहुत अलग अलग टाइप का बेसबोर्ड है, ठीक है, मेरे पास बहुत अलग अलग टाइप का बेसबोर्ड है, कुछ भी बेसबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आपको एक अलग बेसबोर्ड यूज़ करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको देखाऊंगा CRT टीवी का बेसबोर्ड चेंज करके। तो कुछ भी टीवी हो सकता है, कुछ भी टाइप का बेसबोर्ड हो सकता है, वहाँ पर आप चाइना बेसबोर्ड यूज़ कर सकते हो आसानी से। बट सबसे बड़ा बात यही होता है कि सभी जगह पर CRT बेसबोर्ड नहीं मिलता है। हो सकता है कुछ भी IC CRT टीवी का, हो सकता है कुछ भी पार्ट्स आपका इलाका पर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे को व्हाट्सअप कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा जो व्हाट्सअप नंबर, मैं कुछ भी वीडियो का अंदर नहीं देख के रखा है, बट आज ये वीडियो का अंदर मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर एक लिंक दे दूंगा, उसका अंदर आपको ऐप मिल जाएगा और वो ऐप पर मैं कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग करके रखा है। आप चाहे तो वो ऐप से कुछ प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो, मैं आपको सेंड करने के लिए कोशिश करूँगा। और दोस्तों हो सकता है कि वो ऐप का अंदर वो पार्ट्स आपका, आप जो पार्ट्स लेना चाहते हो सकता है कुछ IC लेना चाहते हो, वो ऐप का अंदर नहीं है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। तो वो जो नंबर व्हाट्सअप का नंबर वो ऐप का नीचे मिल जाएगा। तो फर्स्ट आपको वो ऐप को ओपन करना पड़ेगा और वो ऐप से आप डायरेक्ट उसका अंदर जो लिस्टिंग पार्ट्स है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। लिस्टिंग करने के बाद मेरा पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ पार्ट्स और प्रोडक्ट का डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, कुछ पार्ट्स का डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो दोस्तों आपको सबको पता है मैं अभी ये फर्स्ट टाइम स्पीड पोस्ट करने के लिए कोशिश करूँगा और स्पीड
स्पीड पोस्ट करने का समय, उसका जो वेटेज होता है, आप कितना क्वांटिटी लेना चाहता है उसका ऊपर डिलीवरी चार्ज लगता है। तो इसीलिए आपको जब मैं लिस्टिंग करके मुझे को भेज देगा, वो ऐप का अंदर ही सब कुछ सिस्टम है, करने के बाद आपको मैं जरूर 12 घंटा का अंदर रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा कितना डिलीवरी चार्ज पड़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। बेसबोर्ड कैसे चेंज किया जाता है इसका ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा पास ये एक चाइना पीसीबी है, तो ये चाइना पीसीबी के अंदर इसी तरह बेसबोर्ड यूज़ होता है, ये 3 ट्रांजिस्टर का। तो आपको ये वीडियो के अंदर ये पीसीबी मैं कनेक्शन करके देखूँगा। तो इसका कनेक्शन पॉइंट आप देखिए, तो इधर एक ग्राउंड 8 GB और आई के वोल्ट इधर है, और ये लाइन 180 वोल्ट और फिलामेंट सप्लाई और ग्राउंड का है, ठीक है। तो ये पीसीबी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो कुछ भी टीवी के अंदर। तो इसका कनेक्शन किस तरह होगा, तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। बहुत पीसीबी के अंदर ये पॉइंट पर सब लिखा देखा जाता है, बट अभी ये जो पीसीबी मेरे पास आया इसका अंदर लिखा नहीं है, जो 8 GB लिखा है ये भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, डरने का कोई बात नहीं, इसका तरीका बहुत सेम है। तो आपको बता देता हूँ कि देखिए, चलिए फर्स्ट ये जो वायर है ये वायर को मैं फर्स्ट ओपन कर दूंगा, ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसका जो वायर मैं आउट कर दिया, ठीक है। और बहुत पीसीबी के अंदर यहाँ पर 8 GB लिखा देखा जाता है, कौन सा पिन कौन सा कनेक्शन होगा ये लिखा देखा जाता है, बट अभी ये जो पीसीबी यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको क्लियर कर देता हूँ कि चाइना टाइप पीसीबी, ये जो चाइना टाइप पीसीबी, ये पीसीबी के अंदर कौन सा पॉइंट कौन सा कनेक्शन होगा आप अच्छा करके देखिए, आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा ये स्मॉल बेस है कि ये बिग बेस है। तो दोस्तों ये बिग बेस है, ठीक है। ये बिग बेस का 8 GB पिन कौन सा होता है, देखिए इसका ये लास्ट पिन है, ये लास्ट पिन ओपन दिखा जाता है, और बहुत पीसीबी के अंदर ये ग्राउंड का साथ कनेक्शन दिखा जाता है, ठीक है। और उसका ऊपर जो पिन, तो दोस्तों ये बी कैथोड का पिन है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 फिलामेंट का, और दोस्तों ये रेड का, ठीक है। और उसके बाद ये G2 पिन का, तो G2 पिन का ऊपर ये रेड होता है और G2 पिन का नीचे ये ग्रीन कैथोड का पिन होता है। तो आपको ये फर्स्ट पिन ओपन का फर्स्ट पिन काउंट छोड़ दीजिए, और उसके बाद ये ब्लू कैथोड पिन को आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए ये जो लाइन जा रहा है बी कैथोड का जो लाइन, ये देखिए ये जो लाइन जा रहा है यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद इधर से इधर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस, देखिए ये तीनों जो मोटा वाला नीचे रेजिस्टेंस है, ये नीचे वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस इधर आ रहा है और ये जो रेजिस्टेंस जा रहा है, देखिए बीच में ट्रांजिस्टर का पिन पर, ये मिडिल पिन पर, और ये ट्रांजिस्टर का ये नीचे पिन को आप पकड़िए, देखिए इसका मिडिल पिन एक ट्रांजिस्टर है, देखिए ये जो ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसका नीचे पिन देखिए, ट्रांजिस्टर का नीचे पिन, ये नीचे चलाया, देखिए ये नीचे आने के बाद यहाँ पर 2 पार्ट्स दिखा जाता है। तो 2 पार्ट्स को आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए इधर कनेक्शन है, ये 2 पार्ट्स, ठीक है। और 2 पार्ट्स देखिए, एक डायोड है और ये देखिए एक ऊपर डायोड है और एक नीचे एक रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए ये रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस लाइन्स का जो कनेक्शन देखिए, ये पॉइंट का साथ कनेक्शन है, मतलब इसका सेकेंड पिन का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर सिग्नल इन होता है मेन पीसीबी से, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस का बाद इधर सिग्नल आता है, और ये जो सिग्नल जाता है ट्रांजिस्टर का पास, ये जो बेस पिन है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। बेस पिन पर ये जाता है, और इसका सप्लाई पिन, दोस्तों ये सप्लाई पिन है जो मिडिल कलेक्टर पिन है, और यहाँ से ये जो लाइन, यहाँ से बीच में और एक जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये रेजिस्टेंस से ये बेस पिक्चर ट्यूब पिन पर जाता है, मतलब इसका 2 नंबर पिन ये हो गया ब्लू, ठीक है। तो इसी तरह आप काउंट कर सकते हो अलग अलग पिन देख के। तो इसी तरह मैं आपको लिख के रखा है, आप नोट करके रख सकते हो। देखिए इसका ये जो पिन आपको दिखाता हूँ, आप अच्छा करके देखिए, इस तरह इसका कनेक्शन होगा, मतलब इसका फर्स्ट पिन ये आई के होगा, हो सकता है आप 8 वोल्ट 9 वोल्ट दे सकते हो। और ये जो दूसरा वाला पिन मैं बी लिख के रखा है, मतलब ब्लू कैथोड सिग्नल इन पिन, और उसके बाद मिडिल ये जी, मतलब ग्रीन कैथोड सिग्नल इन पिन, और उसके बाद ये चार नंबर पिन ये रेड सिग्नल इन पिन, और उसके बाद ये जो पिन देखिए ये नेगेटिव है, मतलब ग्राउंड है, इसी तरह मैं लिख के रखा है, ठीक है। और इधर साइड देखिए ये 180 वोल्ट का
क्योंकि यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है जो अलग अलग ट्रांजिस्टर पर सप्लाई देने के लिए, ये 180 का देखिए मैं लिख के रखा है। और मिडिल ये हीटर का मतलब एसी 4 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए जो फिलामेंट सप्लाई देने के लिए। और इधर देखिए 2 पिन शॉर्टिंग है मतलब ये ग्राउंड का है, देखिए यहाँ पर 2 पिन है जो ग्राउंड का साथ शॉर्टिंग है। तो दोस्तों यही इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ओपन करूँगा। ये जो ओरिजिनल बेस है, ये बेस का अंदर लिखा है आप देख सकते हो, ये बेस का अंदर लिखा है। इधर देखिए बी लिखा है मतलब बी कैथोड सिग्नल इन, और उसके बाद देखिए जी लिखा है, उसके बाद आर लिखा है, और दोस्तों उसके बाद देखिए आई के लिखा है, ठीक है, आई के लिखा है। और इधर देखिए 1 2 3 4 अलग है, बट इसका तीन लाइन देखिए 180 का ये लिखा है, 180 का, और उसके बाद मिडिल ये ग्राउंड का और ये हीटर का। तो ये जैक को मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए ये जो वायर है, वायर का सोल्डरिंग मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद देखिए ये जैक को इस तरह ओपन ये हो जाता है। ओपन होने के बाद आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका ये जो लास्ट ये साइड देखिए, आपको एक बार बताया कि ये 180 वोल्ट का ये ग्राउंड का और ये हीटर का, तो ये तीनों लाइन को मैं अलग कर दूंगा। देखिए ये जो तीनों लाइन देखिए ये अलग है, ये देखिए ये तीनों लाइन अलग है, तो इसको मैं अलग कर दूंगा। किस तरह आप देखिए, आपको इस तरह रखना पड़ेगा और आप छोड़ा और चाकू लेके इस तरह भी आप रख सकते हो। मैं तीनों वायर ये जैक सब कुछ मैं एक साथ अलग कर देता हूँ, इस तरह आपको रखना पड़ेगा छोड़ा और चाकू, देखिए मैं इस तरह रखा है। और दोस्तों देखिए देखिए ये इस तरह पूरा अलग हो जाता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। किस तरह इसको कनेक्शन करना पड़ेगा आपको सब कुछ बताता है कि RGB सिग्नल आपको देख के लगाना पड़ेगा। तो इसका किस तरह कनेक्शन था आपको फर्स्ट ये देखना पड़ेगा कि देखिए इधर बी है और उसके बाद ये जी और उसके बाद ये रेड है और उसके बाद ये IK है, ठीक है। बट ये जो मैं नोट करके रखा है, इधर देखिए इधर IK है, उसके बाद BGR है और उसके बाद ये ग्राउंड है। तो दोस्तों इसका देखिए BGR पर सेम ही है, तो देखिए इसका BGR सेम है और इसका IK इधर है, देखिए इसका IK इधर नहीं है, तो इसका IK RGB का बाद इसका IK है। तो इसीलिए देखिए इसका ये जो 3 नंबर पोजीशन है, ये 3 नंबर पोजीशन देखिए दोस्तों, ये RGB है और ये 3 नंबर पोजीशन ये IK है। तो ये IK वायर का आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों ये BGR सेम टू सेम इसका लाइन का अंदर है, बट ये 3 नंबर ये IK है। तो IK तो ये चाइना पैसिफिक अंदर सेम मेल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको आपको एक नीडिल लेके ये पॉइंट का आपको ओपन करना पड़ेगा, देखिए। तो दोस्तों चाइना पीसीबी लगाने के लिए थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट और अलग अलग पीसीबी जो है तो वो इतना मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वायर को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये IK का है, ठीक है, देखिए ये वायर को मैं इस तरह ओपन किया, ठीक है। और दोस्तों ये नेगेटिव ही है, मैं लास्ट पिन ये PCB का अंदर जो देखा जाता है कि ये IK पिन का बाद, देखिए IK पिन का बाद ये जो पिन देखिए, ये पिन कुछ भी पार्ट्स का साथ कनेक्शन नहीं है, ये लाइन ओपन है, ठीक है। तो दोस्तों ये नेगेटिव के साथ ये पिन कनेक्शन है, ये जो पिन 5 नंबर पिन, ठीक है। तो ये मैं चेंज नहीं करूँगा। और देखिए उसके बाद इसको किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा ये चाइना PCB के अंदर, देखिए आपको फर्स्ट क्या बताया कि इसका जो पॉइंट अलग अलग ये RGB सेम टू सेम लग जाएगा, और इसका नेगेटिव तो ये पिन है, इसका लास्ट नंबर मतलब इधर साइड ये नेगेटिव है। तो देखिए ये जो नेगेटिव का वायर, ये वायर को आपको ओपन करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ।
देखिए ये वायर ओपन हो गया और उसका बाद ये पिन पर आपको इनपुट करना पड़ेगा। तो दोस्तों चाइना पीसीबी में लगा के आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए इतना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट मेरा पास बहुत अलग अलग पीसीबी मौजूद है, तो वो सब पीसीबी को इतना मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए मैं ये कनेक्शन किया नेगेटिव, ये 4 नंबर पिन पर आ गया। और चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये आई के पिन को छोड़ के आपको इस तरह इनपुट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। ये अभी इन नहीं हो रहा है, तो इसका अंदर ये जो रंग इसका अंदर चला गया, ये जो गैप का अंदर, ये आपको क्लीन करना पड़ेगा, तो आप ये अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्लीन करके आपको इनपुट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जैक को मैं इस तरह कनेक्शन किया, अभी तक मैं सोल्डरिंग नहीं किया है, तो मैं सोल्डरिंग करूँगा। सोल्डरिंग करके आपको दिखाऊँगा, तो आपको मेनली क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका, देखिए ये BGR और ग्राउंड ये सेम रखा है। और ये पोजीशन का आईके को मैं इधर, ये देखिए ये और घुमा के मैं आईके को मैं इधर कर दिया। ठीक है, इस तरह मैं कनेक्शन किया, तो ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और उसका बाद और जो देखना पड़ेगा कि ये चैसिस का, देखिए 180 वोल्ट इधर है, ये हीटर का है और ये ग्राउंड का है। बट इसका ओरिजिनल चैसिस का क्या आपको दिखाया, इसका 180 वोल्ट इधर है, मिडिल इसका हीटर है, मिडिल इसका ग्राउंड है और इसका लास्ट साइड ये हीटर का है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये जो वायर है, ये वायर का देखिए ये ब्लू वाला 180 वोल्ट का है और मिडिल इसका ग्राउंड है। तो इसीलिए ये दो जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट का आपको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके आपको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये सेम तरह देखिए ये दो पॉइंट, इसको मैं बाहर काट देता हूँ। देखिए बाहर किया और ये दो पॉइंट को मैं इधर उधर घुमा देता हूँ, क्योंकि हीटर सप्लाई और नेगेटिव ये भी सेम आपको काटना पड़ेगा। और ये सेम नहीं करेगा तो मेनली चाइना पीसीबी के अंदर क्या फॉल्ट होगा आपको लास्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों हीटर का कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, बट आपको इसी तरह घुमा के लगाना पड़ेगा। हीटर सप्लाई इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। चलिए मैं ये लगाने का बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए तो दोस्तों ये बाद में सोल्डरिंग करूँगा कि हीटर और नेगेटिव ये इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए दोस्तों ये तो एक नेगेटिव है, ठीक है, ये जो नेगेटिव है ये लाइन का साथ, आप अच्छा करके देखिए कि ये जो लाइन जा रहा है बीच में, देखिए एक 3.3 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, ये छोटा वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसका बाद ये जो लाइन देखिए ये नेगेटिव के साथ पूरा कनेक्शन है, देखिए इसका अंदर एक जम्पर है। ठीक है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, तो ये दो उल्टा हो जाएगा, तो ये अलग से नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये मेन नेगेटिव, ये जो मेन नेगेटिव का साथ ये जो नेगेटिव, इसका अंतर क्या होता है, बीच में 3.3 ओम्स का, सॉरी 33 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जल जाएगा और पिक्चर का क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। इस तरह पिक्चर आएगा कि आपका मन में लगेगा कि पिक्चर ट्यूब खराब है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत सीक्रेट फॉल्ट है, कभी कभी ये रेजिस्टेंस जल जाएगा तो इसी तरह पिक्चर का क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ये मैं सोल्डरिंग करके आपको कनेक्शन करके देखूंगा और इसका G2 फोकसिंग सब कुछ कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों देखिए ये बेस को मैं इस तरह कनेक्शन किया, आप अच्छा करके देखिए। ठीक है, इस तरह कनेक्शन किया, इसका G2R को मैं यहाँ पर लगाया, इसका स्क्रीन देखिए यहाँ पर लगाया, कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं पिक्चर ट्यूब का अंदर कनेक्शन करके आपको पूरा देखाऊंगा कि किस तरह इसका पिक्चर आता है। ठीक है,
और दोस्तों इसी का साथ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए चाइना पीसीबी का ये जो आईके वोल्ट होता है, ये आईके वोल्ट 8 और 9 वोल्ट आपको सप्लाई देना पड़ता है। बहुत पीसीबी के अंदर आईके वोल्टेज नहीं दिखा जाता है, तो क्या करना पड़ेगा। और आईके वोल्टेज 2.3 वोल्ट और 3 वोल्ट का आसपास भी दिखा जाता है। दोस्तों 3 वोल्ट 4 वोल्ट का 4 वोल्ट का आसपास आ जाएगा तो तब भी पिक्चर आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट चाइना पीसीबी के अंदर ये वोल्ट मिसिंग होगा, अब नहीं देगा तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कुछ भी पीसीबी हो सकता है, वो पीसीबी से जो रेगुलेटर सेक्शन का जो 9 वोल्ट और 8 वोल्ट होता है वह सबको एक्स्ट्रा सप्लाई लेके आपको आईके पर देना पड़ेगा। देने के बाद पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो और ये आप ध्यान आपका दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा तो कुछ भी पीसीबी का अंदर ये चाइना पीसीबी आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकली बहुत वीडियो का अंदर दिखाया, चलिए मैं इसको कनेक्शन करके आपको पिक्चर देखे एक बार दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फाइनली देखिए ये चाइना बेसबोर्ड को मैं इस तरह इसका कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं आपका सामने में सप्लाई देके देखूंगा। देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद इसको देखिए स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया और आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए किस तरह इसका पिक्चर आता है, एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो कलर प्रॉब्लम देखिए सॉल्व हो गया, ये व्हाइट टाइप स्नो आ गया। तो चलिए एक बार ए भी मूड करके देखना पड़ेगा। देखिए मैं ए भी मूड कर दिया और इसका पिक्चर देखिए कुछ भी पिक्चर का प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका ओरिजिनल पिक्चर आ गया, आप अच्छा करके देख सकते हो। तो इसी तरह दोस्तों आप चाइना पीसी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्या बताऊँगा आपको, यहाँ पर कुछ भी पीसी भी आप यूज़ कर सकते हो। आप आईसी बेसबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आईसी बेसबोर्ड का जगह पर आप ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये मार्केट पर अवेलेबल है, और आपका पास नहीं मिलेगा तो आप मुझे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपका पास ये पीसीबी सेंड करने के लिए, ठीक है। दोस्तों थैंक यू, ये वीडियो के अंदर जो कलर प्रॉब्लम सॉल्व मैं आपको करके दिखाया, बट मैं कर सकता हूँ इसका जो ये पीसीबी है ये पीसीबी रिपेयर करके दिखाने के लिए आपको। क्यों इस तरह दिखाया कि ये पीसीबी जल जाएगा तो ये सब फॉइल लाइन जल जाएगा तो आपको ये न्यू बेस इस तरह लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका ये वीडियो के अंदर चाइना बेस लेकर लगा के दिखाया। तो दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको और मैं आपका बहुत न्यू टेक्नीशियन का और पुराना टेक्नीशियन का जो डाउन मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों ये पीसीबी तो मैं लगाया, पिक्चर तो बिल्कुल ओके आ गया, आप देख सकते हो। मैं 9 ट्रांजिस्टर का जगह ये देखिए ये 9 ट्रांजिस्टर का जगह ये बेसबोर्ड मैं लगाया, चाइना बेसबोर्ड लगाया, ठीक है। तो पिक्चर तो ओके आ गया, तो आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि देखिए पिक्चर तो ओके चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नज़र में नहीं आ रहा है। बट अच्छा करके देखने के बाद पता चल जाएगा इसका पिक्चर का क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए, इसका रीजन क्या है। तो मन में लगेगा पिक्चर ओके है, कोई बात नहीं, आप ये छोड़ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब भी आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं मीटर को सेट किया, देखिए 200 डीसी रेंज पर मीटर का नेगेटिव पर यहाँ पर मैं लगाया पिक्चर ट्यूब के अंदर, और आपको वोल्टेज चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आपको कनेक्शन करके जो देखा है ये जो आई के पॉइंट है ये लास्ट नंबर पिन ओरिजिनल पीसीबी से यहाँ पर कितना वोल्ट आता है। देखिए जो आई के पॉइंट है लास्ट नंबर पिन यहाँ पर वोल्टेज आप मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए 2.5 वोल्ट। तो इसी का रीजन से इसका पिक्चर का क्वालिटी जो और अच्छा होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको 8 से 9 वोल्ट आप यहाँ पर इनपुट करेगा तो ये बेसबोर्ड का पिक्चर क्वालिटी वो और अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं किस तरह इसको कनेक्शन किया जाता है आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आई के पॉइंट पर एक्स्ट्रा सप्लाई 8 वोल्ट और 9 वोल्ट के आसपास देना चाहता हो तो आपको ये जो कनेक्शन पॉइंट ये जो वायर देखिए ये वायर जो कनेक्शन पॉइंट है देखिए ये पीसीबी का इधर कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन का ये जो ऊपर से नीचे ये जो पॉइंट है ये आई के का पॉइंट है, और ये पॉइंट से बेसबोर्ड का अंदर कनेक्शन है। मीटर लेके क्वांटिटी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट का कनेक्शन है। और दोस्तों उसी का साथ ये जो लाइन देखिए बीच में एक पार्स देखा जाता है जो आईसी के पिन का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये आई के सप्लाई को ये आईसी से आउट करने के लिए आपको ये एक पार्स को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद आपको ये पॉइंट पर एक सप्लाई इनपुट करना पड़ेगा, और उसका पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये पिन का साथ आईसी का कुछ पिन का साथ कनेक्शन तो नहीं है, आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा ये पिन का साथ, ठीक है।
तो अभी तो ये पार्ट्स एक कनेक्शन है, यहाँ से आई के वोल्ट आई सी से इसका आउटपुट हो रहा है। तो मैं ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप 5 वोल्ट भी दे सकते हो। देखिए ट्यूनर का पास देखिए 5 वोल्ट मौजूद है। तो ये ऐसे एक वायर कनेक्शन करके आप ये पॉइंट पर कनेक्शन कर सकते हो। नहीं तो ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है TP1 IC होगा, तो बहुत कुछ आईसी का देखिए ये 1 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन पर 8 वोल्ट इन होता है और 3 नंबर पिन पर 5 वोल्ट इन होता है। तो दोस्तों ये जो 8 वोल्ट पॉइंट है, यह से सप्लाई उठा के आप ये पॉइंट पर इनपुट कर सकते हो। और ये जो 8 वोल्ट आ रहा है, ये एक रेगुलेटर आईसी से आपको ढूंढ के देखना पड़ेगा इसका अंदर रेगुलेटर आईसी कौन सा है। हो सकता है ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर हो सकता है, ठीक है। तो एक बार ढूंढ के देखना पड़ेगा, जो 8 वोल्ट जिस पॉइंट से मिलेगा वह सबको वायर लेके आपको ये पॉइंट पर कनेक्शन करेगा, तो यह से 8 वोल्ट ये बेसबोर्ड के अंदर चला जाएगा। मैं चलिए आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मेनली आपको दिखाने के लिए इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, बट इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो आई के पॉइंट है, ये आई के पॉइंट का जो आई सी के साथ कनेक्शन है, बीच में ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है। और इसका अंदर एक सप्लाई आता है। तो दोस्तों ये जो सप्लाई देखिए, मतलब बीच में एक डायोड है, ठीक है। ये जो डायोड है, ये डायोड का ये साइड पर 5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये डायोड को भी मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ये लाइन का साथ कनेक्टेड है, ये डायोड को मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर को मैं रखा है, और दोस्तों आदर्श ये जो पिन, ये कुछ भी पिन के साथ कनेक्शन नहीं है। मैं यहाँ पर 8 वोल्ट सप्लाई लाइन से 8 वोल्ट सप्लाई दे दिया। देखिए ये आईसी का 1, 2 नंबर ये 5 वोल्ट और 3 नंबर ये 8 वोल्ट सप्लाई पिन है। अब रेगुलेटर से ये सप्लाई आता है, ठीक है दोस्तों। तो अब रेगुलेटर पिन पर भी कनेक्शन कर सकते हो। मैं 8 वोल्ट दे दिया, आप यहाँ पर 5 वोल्ट भी दे सकते हो। आपको फर्स्ट टाइम बताया ये ट्यूनर पॉइंट से, क्योंकि ये 2 वोल्ट स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ही इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये वोल्ट आउटपुट होता है। चलिए आपका एक बार वोल्टेज चेक करके देखूंगा ये पिन पर 8 वोल्ट आता है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखूंगा कि ये वायर ओपन करके कि पिक्चर क्वालिटी का कितना चेंज होता है। चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद चलिए स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन किया, और चलिए इसी टाइम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो आई के पॉइंट है, ये आई के पॉइंट पर फर्स्ट टाइम आपको जितना वोल्ट देखा है, अभी इसी टाइम देखिए 8 वोल्ट मैं लेके आया, क्योंकि मैं इस तरह कनेक्शन करने के बाद देखिए 8 वोल्ट आ गया। तो चलिए पिक्चर देखिए एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं AV मोड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों AV मोड किया। AV मोड करने के बाद मन में लगा कि इसका लाइट थोड़ा कम है, तो बट कोई बात नहीं, मैं इसका लाइट एडजस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई को दोबारा ऑफ कर देता हूँ। PCB को उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो इसका ESD घुमाने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए घुमाया, चलिए आपको दोबारा सप्लाई दे के दिखाता हूँ। सप्लाई दे दिया, स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से ऑन किया, उसका बाद AV करना पड़ेगा। चलिए मैं AV कर देता हूँ, और उसका बाद चलिए ESD को थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगा। देखिए पिक्चर इस तरह आ रहा है, थोड़ा लाइट कम लगता है, तो ये ESD का नीचे वाला पिन को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। देखिए नीचे वाला पिन को थोड़ा सा घुमाया, घुमाने के बाद आप पिक्चर देख सकते हो। चलिए मैं अलग पिक्चर प्ले करके आपको दिखाता हूँ, अलग चैनल पर लेके जाता हूँ। देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम जितना क्वालिटी पिक्चर आपको दिखाया उसी से और अच्छा क्वालिटी पिक्चर इसका अंदर आ गया। तो दोस्तों आप 5 वोल्ट दे सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आपको बट दोस्तों इतना कुछ मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो 3 वोल्ट 4 वोल्ट का आसपास 2.2 वोल्ट आएगा, तो तब भी कुछ भी डरने का कोई बात नहीं, ठीक है। पिक्चर वो ओके दिखाएगा, पार्टी का नज़र में वो नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।